हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो ये रहे वर्किंग स्टेप। तो स्टेप नंबर वन में वी विल फाइंड एनर्जी ड्यू टू स्मॉल चार्ज, देन वी विल इंटीग्रेट टू गेट एनर्जी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। And finally, we will find energy density stored in a capacitor. So let's move towards the derivation. So first of all, in first step, consider a parallel plate capacitor of capacitance C and area of plates A. So, हमारे पास एक capacitor है जिसकी capacitance C है और जिसकी प्लेटों का area हमने क्या support किया है, A support किया है। लेट डी इज द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। ये एक कैपेसिटर देखें जी, हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेट नेगेटिवली चार्जेड है और इस प्लेट को हमने ए बोला, इस प्लेट को हमने बी बोला। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। एंड दिस डी इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ लेट क्यू प्राइम is the amount of charge stored on the plate of capacitor at any instant of time. तो इन प्लेटों के ऊपर जो चार्ज स्टोर होता है उसको हमने सपोर्ट कर लेना कि वो Q प्राइम है किसी भी इंस्टेंट पे। एक्चुअली ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि किसी भी लम्हे पे कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटर इक्वेशन Q इज इक्वल टू सी वी, तो चूंकि हमने जो चार्ज स्टोर किया है वो Q प्राइम है, ज्यादा यहाँ पे लिख देंगे Q प्राइम इक्वल सी वी प्राइम। यहाँ पे C कैपेसिटेंस है जो हमने यहाँ पे सपोज की थी कि सी जो है ना इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। ओके, यहाँ से हम V प्राइम की वैल्यू निकालेंगे, V प्राइम इज इक्वल टू Q प्राइम अपॉन सी। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन, ये आगे यूज होगी, इसको आपने ध्यान में रख लेना। ओके, द चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी when small amount of charge dq prime is transferred to the plate of capacitor is, जी ये वो एनर्जी है जो कि जब चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे शिफ्ट होते हैं, कैपेसिटर के अंदर स्टोर होते हैं, तो जो एनर्जी में तब्दीली आती है वो आपने इसको u रिप्रेजेंट करना। और अगर आप सारे चार्ज की वजह से, टोटल चार्ज की वजह से लेते हैं तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वो अगली स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे आपने V प्राइम की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज Q प्राइम अपॉन C। और अब द टोटल चार्ज इन द चेंज, सॉरी टोटल चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इफ द चार्जिंग प्रोसेस इज केप्ट कंटिन्यू टू द कैपेसिटर द मैक्सिमम चार्ज टू Q, वी विल इंटीग्रेट अबव इक्वेशन। ओके जी, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जी अगर आप ये चार्जिंग फर्ज कर लिया, ये कंटिन्यू रहती है और ये Q प्राइम बढ़कर मैक्सिमम चार्ज जो कि ये मैक्सिमम चार्ज है सपोज कर लिया वो Q के इक्वल है, तो वो कितने ही अमाउंट हो जाएगी, आपने इन दोनों को दोनों साइडों पे इंटीग्रेट कर देना इस इक्वेशन को। जी यहाँ पे आपने दोनों साइडों पे इंटीग्रेट कर दिया तो ये डिफरेंशियल इंटीग्रल से कट गया, तो ये U आ गया। और यहाँ से आपने इंटीग्रेट करना है फ्रॉम जीरो चार्ज टू मैक्सिमम चार्ज, जीरो चार्ज टू मैक्सिमम चार्ज, ये है आपका क्यू मैक्सिमम चार्ज। ये देखिए आपके ऊपर लिखा भी हुआ, अब ये वाली वैल्यू आपने इसके अंदर इंसर्ट कर देनी है। ठीक है जी, ये इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन से आपने ये वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट कर दी। अब देखें ये dq प्राइम वेरिएबल क्वांटिटी है, तो ये भी वेरिएबल कंसीडर होगी, और ये जो c लिखा हुआ है ये जो है ये कांस्टेंट अमाउंट कंसीडर की जाएगी, इसलिए आपको आपने इसको इंटीग्रेशन से आउट लिख देना है। ये देखें ये आउट हो गया। अब इस वाली रकम का आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, इंटीग्रेशन इसकी करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। जी ये देखेंगे, तो इसकी पावर में एक ऐड किया और उसी से डिवाइड किया, और आपने यहाँ पे लिमिट लगानी है। जी यहाँ पे आपने ये जो लिमिट लगानी है यहाँ पे जीरो लिखना है। ठीक हो गया, तो ये आपका यहाँ पे जीरो है, जीरो से आप क्यू मैक्सिमम चार्ज, ये क्यू पर लिखा हुआ है, ये आपने अप्लाई कर देना। ठीक हो गया जी, अब जी आपने क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब आपने अपर लिमिट माइनस की अपर लिमिट अप्लाई की तो ये क्यू प्राइम की जगह क्यू आ जाएगा, ये देखिए क्यू, और माइनस जीरो आ जाएगा वो आपने लिखा ही नहीं। ठीक हो गया, तो ये आ गई आपकी टोटल एनर्जी जो कि कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है।
लेकिन आप जानते हैं क्यू इज इक्वल टू सी वी, देखिए जी क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। अब ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। ओके ये देखिए जी ये आंसर आपके आ गया 1/CV और यहाँ पे एक सी दूसरे सी से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये एक सारे का सारा सी इसके एक सी से कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट यू विल गेट, सी इज इक्वल टू 1/2 CV2। ये रहा इक्वेशन ऑफ एनर्जी जो कि आप देख रहे हैं कि दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस और दूसरा पोटेंशियल का स्क्वायर। आप इसको एक और फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, अदर फॉर्म भी इसका है, देखिए जी उसमें जस्ट आपने यहाँ सी और वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखिए जी सी की वैल्यू अभी आप पीछे प्रूफ करके आए हैं, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होती है, तो एक पुटिंग ये यहाँ पे जाएगी। दूसरी पुटिंग वी स्क्वायर की है, वो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान रिलेशन इस तरह होता है, ठीक है। ये वाली पुटिंग भी इधर जाएगी, तो ये दोनों पुटिंग्स आपने इस इक्वेशन में करनी है। तो ये देखिए आपके पास फॉर्मेट ये आ जाएगा, ये आपने दोनों वैल्यूज पुट कर दी हैं आपने, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कैंसलेशन होगी, जैसे कि ये एक सारे का सारा डी इसके एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया जी, सारे का सारा डी इसके एक स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास क्या बचा, सिर्फ एक ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई, तो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। इसमें आप देखें कि ये एनर्जी दी गई है 1/2 AD एप्सिलॉन नॉट और ई का स्क्वायर, सही है। तो ये है एनर्जी जो कि कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है। दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में स्टोर होती है, जी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है प्लेटों के दरमियान में, ठीक हो गया। अब जी हम एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं कि एनर्जी डेंसिटी क्या होगी कैपेसिटर की। तो एनर्जी डेंसिटी पहले तो हम डिफाइन करेंगे होती क्या है। तो द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो यूनिट वॉल्यूम में, कैपेसिटर के यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर होती है वो उस कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी कहलाती है। आप इसको यह भी लिख सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये एनर्जी की ये वाली वैल्यू आपने इसके अंदर इंसर्ट कर देनी है और वॉल्यूम कैपेसिटर क्या क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यानी ये लिखेंगे। देखें जी ये एनर्जी तो आपने ये वाली लिख दी और जो वॉल्यूम है ये क्या है, ए डी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कैंसलेशन है, जैसे ये ए डी जो है ये इस ए डी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है वो ये रहा। तो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, आप देख रहे हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर आ जाएगा, ए ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक हो गया। तो ये है एनर्जी डेंसिटी, तो दिस इज एनर्जी डेंसिटी स्टोर इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। तो स्टूडेंट ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई इश्यू है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल आंसर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।